सो यमी फ्रूट चाट, फ्रूट का रायता। तो ये थाली तैयार हुई है व्रत की। तो आप किसी भी व्रत में, यानी एकादशी हो, माता रानी के व्रत हो, तो ये व्रत की थाली मैंने फुल रिक्वेस्टेड वीडियो बहुत टाइम से थी, एक साल से, तो मैंने सोचा बना दूं। तो ज़रूर से आप देखना कि ये मैंने फुल थाली पेट भर के खाने वाली बनाई है। तो ये भोग लगाने से पहले की है। देखिए मैं तुलसी पत्ते डाल रही हूँ सब में, क्योंकि एकादशी की मैंने थाली तैयार करी थी, जिसकी मैंने एक शॉट भी पहले भी डाल दी कि आलू पनीर की सब्जी की, वन बाई वन मैं और भी डाल दूंगी। तो ये मैं लेके जा रही हूँ भोग। अब वीडियो शुरू करते हैं। पसंद आए तो लाइक से कमेंट शुरू करना। हरे कृष्णा, राधे राधे, कृष्ण दासी के चैनल में आपके मित्रों का स्वागत है। और आप सब कैसे हैं? कान्हा जी कृपा से सब ठीक होंगे। आलू मैंने उबाल लिए हैं और यहाँ पे मैंने टमाटर मिर्ची काट लिया और उसका मैं प्यूरी बनाऊंगी और यहाँ पे चटनी बनेगी। तो पहले मेरी बात सुन लीजिए, ये उनके लिए जो टमाटर खाते हैं, जो नहीं खाते वो स्किप कर सकते हैं, क्योंकि बैठ के कमेंट मत करना। लोगों का सबका अपना अपना होता है, कोई जीरा खाता है, कोई नहीं खाता है, कोई सेंधा नमक खाता है, कोई नहीं खाता, कोई टमाटर मिर्ची खाता है, नहीं खाता। मैं खाती हूँ, इसलिए मैं व्रत का बना रही हूँ। और जो ये सब खाते हैं वो उनके लिए वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, जो नहीं खाते वो स्किप करके भी नॉर्मल तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं ये शुरू में ही बोल देती हूँ। तो आप देखिए, तो अब मैंने हरी मिर्ची, टमाटर और धनिया ले लिया, सेंधा नमक डाल दूंगी मैं, क्योंकि सबके अपने अपने भाव हैं। भगवान तो भाव के भूखे हैं। कहने को कहते हैं कि व्रत में नमक नहीं खाया जाता, लेकिन ये व्रत का नमक का नाम जब बना ही व्रत के लिए है तो खा सकते हैं, एक टाइम तो खा ही सकते हैं। आजकल इतने शरीर में ताकत नहीं होती, बीपी डाउन हो जाता है, तो भगवान तो अपने बच्चों को हंसते खेलते देखना चाहते हैं ना, तो इसलिए मैं आपको पहले बता दूँ। देखिए जी, अब मैंने टमाटर की प्यूरी बना ली, क्योंकि मैं आलू पनीर की सब्जी फर्स्ट बनाऊंगी। और आप सारा अच्छे से देखना और बताना कि आपको कैसी लगी। और ये बन गई है चटनी। तो चटनी तो नॉर्मल सबको आती है, लेकिन व्रत का नमक डाला है इसलिए बढ़ गया। अब आलू मैंने छील लिए हैं और अब मैंने ये तो 1 kg लिया है मैंने, 1 kg पनीर, बट आप अपने हिसाब से ले सकते हो। आधा ही डालूंगी, क्योंकि आधा मैंने दूसरा तक। तो देखिए, आलू मैंने अपने हिसाब से कर लिए। आपको कम बढ़ती, ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितनी सब्जी बनाना चाहते हैं। मुझे थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बनानी थी और वैसे भी एक्स्ट्रा भी आलू रखने थे, क्योंकि मैं पकोड़े भी, जो पकोड़ी कुट्टू की बनाऊंगी वो इसी में से ही बनाऊंगी। और बाकी हलवा भी बना सकते हैं, कितनी वैरायटी आ गई। तो मुझे और भी कभी हुआ तो व्रत की थाली और भी एक से एक चीज़ें बना के दिखाऊंगी। तो ये मैंने एक बाउल ले लिया, उसमें ले लिया पानी। पानी में मैं इस तरह से क्रश करके आलू डाल रही हूँ, क्योंकि एक ये रहता है कि इसमें आलू अच्छे से डिप हो जाएंगे, घुल जाते हैं, और थोड़े से गाढ़ी रेसिपी भी करनी हो तो हो जाती है। तो बाकी मैं ज़्यादा गाढ़ी यूँ नहीं करती, क्योंकि बाद में और ज़्यादा थिक हो जाती है। तो अब मैंने ये गैस पर रख लिया है बाउल, और ये मैं मूंगफली का तेल ले रही हूँ, क्योंकि व्रत है। और आप देसी घी भी ले सकते हैं, दोनों में से दोनों ही यूज़ कर लेती हूँ मैं, मिक्स करके भी ले लेती हूँ और वैसे भी यूज़ कर लेते हैं। देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, अब हम इसमें अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि सब्जी मैं थोड़ी ज़्यादा बना रही हूँ, तो मैं इसमें पूरा 1 कड़छी जो होती है वो मैं इसमें तेल डाल दूँगी मूँगफली वाला। और इसमें डालेंगे जीरा, तो जीरा डाल दिया है। अब जीरा डालने के बाद इसमें जो टमाटर की प्यूरी बनाई थी वो ऐड कर दूंगी, और तड़क गया जीरा अच्छे से। तो ये देखिए, मैंने ये 4-5 टमाटर की प्यूरी बनाई थी, जिसमें से मैंने आधी से ज़्यादा डाली, थोड़ी सी रख ली थी, तो इसलिए। अब इसमें मैं सेंधा नमक डाल दूंगी, काली मिर्च डालूंगी, तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग साल्ट डाल सकते हो, व्रत वाला जिससे सेंधा नमक। देखिए मैं दिखा रही हूँ, ये डले से बने होते हैं, प्योर वाला वैसे बिल्कुल नमक की तरह भी मिलता है, वो भी ले सकते हो। तो सेंधा नमक बोलोगे तो इस टाइप का ही मिलेगा। अब इसमें साथ ही में मैं काली मिर्च भी डाल दूंगी। तो कहने का मतलब ये है कि आजकल सब अपने हिसाब से करते हैं, जिसको जो व्रत में खाना है उसको वो सही लगता है, दूसरे का गलत लगता है। तो मैं ये खाती हूँ इसलिए मैं ये बना रही हूँ, और जो इंसान जो चीज़ करता है उसे वो ही सही लगता है। तो आपको जो सही लगे वो आप करो, वो आप बनाओ, ठीक है जी। अब मैंने ये धनिया पत्ती साथ में ही डाल देती हूँ, ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे ऐसे कि भाई अलग से ऊपर से नहीं डालती मैं। तो ये आलू डाल दिए हैं, अब इसको मैं इसमें साथ में पहले मैं पनीर भी डाल दूँगी कट करके, और फिर ढक के रखूँगी। ढकने के बाद थोड़ा सा देखना भी है कि भाई उबाला आ गया
तो आप कम से कम 5-8 मिनट, मेरे ख्याल से तो 10 मिनट कम से कम आपको रखना है। और इसके अकॉर्डिंग भी ये भी होता है कि आपको कितनी थिक रखनी है, कितनी गाढ़ी रखनी है, तरी तो आप उस हिसाब से भी कर सकते हो। मेरे को नॉर्मल रखनी थी वो इसलिए, और अब मैंने दिखा रही हूँ 5-7 मिनट हो चुके हैं, मैं सिर्फ 2 मिनट और रखूँगी, इसलिए मैंने इस तरह से फिंगर करी थी, क्योंकि मुझे ज़्यादा गाढ़ी नहीं चाहिए, क्योंकि इतनी आप देखिए कि गाढ़ी होने लग गई है, और ये बाद में रखे रखे और गाढ़ी हो जाती है, क्योंकि हमने आलू अच्छे से मैश करके डाले हैं। और इतनी ज़्यादा मैश मैं नहीं करती, किसी को बहुत ज़्यादा करने हो तो वो भी कर सकते हैं, थोड़े मोटे मोटे आलू भी अच्छे लगते हैं। तो वो रेसिपी रेडी हो गई है, अब हम बनाते हैं सीताफल, काशीफल भी बोलते हैं इसको, और कई लोग पेठा भी बोलते हैं। तो ये बिल्कुल कच्चा पेठा इतनी इजीली से कट रहा था, और मैं बीज का पार्ट निकाल दूंगी। वैसे बीज नहीं थे, चाहे तो डाल लेते, लेकिन मैंने निकाल दिया था। और लास्ट में मैं पूरी थाली जैसे शुरू में दिखाई है तो वो सब भी दिखाऊंगी कि आलू पनीर की सब्जी रेडी हो चुकी है, अब हम बना रहे सीताफल। तो मैंने छिलके उतार के ये काट लिया है, और फिर फ्राई पैन रख लिया है, उसमें मैंने अब तेल डाल दिया है, और उसके बाद अब डालूंगी जीरा। तो ये वही है मूंगफली का तेल, आप देसी घी भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। साथ में डाल दिया है जीरा, अब जीरा तड़क रहा है, तड़क रहा है, तड़क तड़क तड़क, तो ये सीताफल डाल देंगे। और सीताफल बनाने जा रही हूँ मैं, यानी काशी फल भी बोलते हैं, खट्टा और मीठा मुझे बहुत पसंद है। किस किस को पसंद है जरूर से बताना। कई लोग हल्दी भी यूज़ करते हैं। आप देखो मैं किस किस का क्या क्या बताऊँ, क्योंकि सब पता रहता है कि बहुत लोग मिर्च भी खाते हैं, लेकिन अगर कोई मिर्च खा रहा है तो वो घर में ला के रेड कूट के खाते हैं, कई लोग की भाई बाहर वाली में तेल होता है, तो सबके अलग अलग नियम है, इसलिए वो उस नियम के अनुसार करते हैं। और धनिया तो जन्माष्टमी पे भी यूज़ होता है, जब प्रसाद बनता है बिहारी जी का, लड्डू बाबू का, तो इसलिए धनिया तो खा ही सकते हैं। ये देखिए, अब कई लोग खाली नमक और सेंधा नमक काली मिर्च में ही बनाते हैं, तो ये अपने अपने सबके भाव हैं, जैसे जो हम तो ये मानते हैं कि प्रभु को भोग लगाना है, अच्छे से अच्छा जितना हो सके बनाना चाहिए, मन से बनाना चाहिए, वो तो तुलसी पत्ते में भी रीत जाते हैं। तो एक ट्रिक मैं बता रही हूँ, मैं कभी भी सूखी सब्जी में इस तरह से पानी नहीं डालती, मैं हमेशा थाली पे पानी डाल के 1-2 गिलास उसे रख देती हूँ, उसी की भाप से नीचे सब्जी इतनी टेस्टी बन जाती है कि आपको पानी डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए अभी मैं दिखाती हूँ, और ये देखो अपने आप कितना सारा पानी इसमें आ चुका है, ये देखिए थोड़ा सा, देखिए कितना पानी और तेल मिक्स हो चुका है। तो कभी ऐसे ट्राई करना आप। और ये व्रत की थाली है जो एकादशी के लिए मैंने बनाई है, आप ज़रूर से अगर अच्छी लगे तो एक बार ट्राई करना, ठीक है जी। तो और अब इसको मैं थोड़ा सा ना, जैसे ये 5 मिनट समथिंग, 5 मिनट भी नहीं लगेंगे, 5-7 मिनट की ये सीताफल अच्छे से हो जाता है। बट मैंने काफ़ी मोटा मोटा काटा था, क्योंकि मैं थोड़ा सा क्रंची और थोड़ा सा ऐसे रखती हूँ कि भाई ज़्यादा घुटा हुआ भी अच्छा लगता है, वो अपने अपने वो है। कभी 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 मैं वो भी बना लेती हूँ बिल्कुल ज़्यादा, बिल्कुल पीस के, और आपकी बार मुझे ऐसे अच्छा लग रहा था, तो मैं थोड़ा थोड़ा ही क्रश कर रही थी। और ये इस स्टेज पर मैं डाल दूँगी, अब इसमें बताओ क्या, ये मैं डालूंगी आमचूर पाउडर। तो ये मैं 1/2 चम्मच भर के डाल रही हूँ, क्योंकि खट्टा मीठा बनाना है मुझे। चीनी भी मैंने डाल दी थी 1 चम्मच, सेंधा नमक, काली मिर्च सब डाल दिया था, तो वो आपने देख ही लिया होगा, बातों बातों में पता भी नहीं लगता। तो ये देखिए जी, अब बस 2 मिनट इसको फिर ढक के रखना है, और फिर आपको अगर पतला और भी ज़्यादा बिल्कुल पीसना है तो आप इसमें सीताफल में के अंदर भी पानी डाल सकते हो, नहीं और 5 मिनट वेट कर लो, ये और सॉफ्ट हो जाएगा, फिर करछी से ही क्रश हो जाएगा। देखिए इस तरह से अब रेडी हो चुका है हमारा सीताफल, मेरे को ज़्यादा पीसना नहीं है तो मैं ऐसे ही, देखिए अब मैंने इसमें सर्व कर दिया है बाउल में। तो 2 सब्जी रेडी हो चुकी, अब सलाद मतलब कि फ्रूट काट रही हूँ, फ्रूट का रायता और फ्रूट चाट बनाऊंगी। तो देखिए इस तरह छोटा छोटा कैसे काटते हैं वो आप देखिए, मैं बहुत छोटे छोटे फ्रूट काटती हूँ। ये एप्पल है, एप्पल को पहले बीच में से एक एक बार, जैसे हम आलू भी कई बार काटते लंबे लंबे काटते हैं ऐसे करके, फिर बीच में से एक बार और कट कर दो, और फिर छोटा छोटा ऐसे कट करते जाओ। अब ऐसे ही मैं ये खीरा करूँगी, देखिए ऐसे इस तरह से करती हूँ मैं, और यहाँ से बीच में से फिर 1-2 बार ये करती हूँ, तो ये कितने छोटे छोटे और चौकोर चौकोर स्लाइस आ जाते हैं।
और वैसे मैं ऐसे भी बनाती हूँ और कद्दूकस भी कर लेती हूँ, सेब को भी, खीरे को भी, आलू को भी, ऐसे भी कद्दूकस करके। और ये आम काटने का सबसे अच्छा तरीका, आप ऐसे नॉर्मली काट के भी आप खाइए, आपका कहते हैं ना बच्चों के हाथ गंदे हो जाते हैं भाई ऐसे पकड़ते हैं, तो इस तरह से कट करिए, इसी के ऊपर ही आम के ऊपर ही इस तरह से कट लगाइए, ये देखिए, और फिर हम साइड से ऐसे कर देंगे, देखिए चौकोर चौकोर पीस आ गए ना, तो ये मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है ये वाला आइडिया, इसमें स्लाइस से कट जाते हैं एकदम बहुत अच्छे से, ठीक है। और दूसरी तरफ से भी मैं ऐसे ही काट लूँगी। चलिए अब बनाते हैं रायता। तो रायते के लिए मैंने ले लिया एकदम थिक मेरा जो गाढ़ा सा दही है, और ये देखिए अनार काट लिया, आम काट लिया, खीरा काट लिया, एप्पल काट लिया, आप आलू भी डाल सकते हैं इसमें छोटे छोटे कट करके, बट मैंने नहीं डाले। और अब बस इसको मैं विक्स की मदद से ब्लेंड कर रही हूँ, इससे मुझे बहुत अच्छे से हो जाता है। वैसे आप चम्मच से भी कर सकते हैं, जो होती है वो मदानी जिससे लस्सी बिलोते हैं उससे भी कर सकते हैं। अब इसमें सेंधा नमक जाएगा, काली मिर्च जाएगी, ठीक है, और जीरा पाउडर जाएगा, तो टेस्ट टू अकॉर्डिंग आप काला नमक डाल सकते हैं, काली मिर्च डाल सकते हैं और जीरा पाउडर डाल सकते हैं, थोड़ी सी चीनी भी डालना चाहे तो डाल सकते हैं, मैंने बाद में डाली थी क्योंकि हमें मीठा अच्छा लगता है थोड़ा सा, लेकिन उस टाइम मैंने स्किप कर दिया था, बाद में चीनी डाली थी, लेकिन आपकी इच्छा है क्योंकि फ्रूट ऑलरेडी आम भी मीठा है और अनार भी मीठा है, तो आप अपने हिसाब से कर सकते हो बस। और ये देखो मैंने इसमें एक बूंद भी पानी नहीं डाला दही में, इस तरह से ब्लेंड करते रहोगे तो क्रीमी टेक्सचर इसका हो जाता है, बिल्कुल क्रीम की तरह लगेगा, तो बहुत अलग ही टेस्ट आता है, पानी डालने से वो अच्छा नहीं लगता ये फ्रूट का रहता, बिना पानी के आप बनाइए इस तरह से तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। और अब इसमें डाल देंगे हम फ्रूट, तो आधे फ्रूट मैंने इसमें डाल दिए, आधे फ्रूट की हम चाट बना लेंगे। और अभी मैंने कोई ऐसा मीठी रेसिपी नहीं बनाई कि ऑलरेडी मीठा रायता भी हो गया था और खट्टा मीठा सीताफल भी हो गया था, वरना मीठी भी मैं साथ में कुछ बनाती हूँ। अब कभी ये व्रत की थाली आएगी, कुछ अलग स्टाइल में आएगी, कुछ अलग आएगी, तो कभी हुआ तो पहले मैं आपका रिस्पॉन्स देखूँगी आपको ये अच्छी लगी तो, काफ़ी मुझे वैरायटी व्रत की अच्छी अच्छी आती है बनानी, तो देखिए अब हो चुका है सब कुछ रेडी। और मेरी हालत हो चुकी थी इतनी ख़राब, इतनी गर्मी लग रही थी और ऊपर से बर्थ, और फिर वीडियो शूट करने में डबल टाइम लगता है, कैसे कैमरा सेट करूँगा, मुझे तो इतना वो भी नहीं आता कि भाई क्या है, मुझे तो भैया बस कैमरा लगाओ बनाने लग जाओ, क्योंकि जो हम आपको दिखा रहे हैं वो एक अलग चीज़ है, लेकिन रील में क्या होता है रियल में कि सब जगह फैल जाता है, बुरी हालत हो जाती है, तो उसे संगवाना भी होता है। तो देखिए ये रेडी हो चुका है मेरा यम सा बहुत मलाईदार रायता और फ्रूट चाट। अब हम क्या कहते हैं पकोड़े बना लेते हैं। तो ये मैंने कुट्टू का, आप खाली कुट्टू का पकोड़े भी खा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा गर्मी ज़्यादा करता है इसलिए मैं थोड़ा सा इसमें सिंगाड़े का आटा भी डाल लेती हूँ। और इसमें डाल देंगे सेंधा नमक और काली मिर्च, ठीक है, तो ज़रूर से ट्राई करना। मैंने बहुत बार सोचा भी, फिर मैंने मुझे ये होता है कि अगर मैं दिखाऊं तो पूरी थाली जो मैं बनाती हूँ वो दिखाऊं, एक एक चीज़ क्या दिखानी, पर उसके लिए टाइम नहीं होता क्योंकि हम हस्बैंड वाइफ का बर्थ होता है, बच्चों का मैं अभी करने नहीं देती हूँ उनको अभी फ़िलहाल, क्योंकि अभी माँ को लगता है अभी छोटे ऐसे मन में आता है, लेकिन हाँ शिवरात्रि का करते हैं और नवरात्रों का भी एक जो मैं हम करते हैं वो करते हैं पहला आखिरी का, लेकिन थोड़ा सा बच्चे बाहर स्कूल में कहीं जाते हैं तो गर्मी उर्मी में मुझे वो रहता है, हाँ तो उस हिसाब से फिर बच्चों का खाना भी बनाना होता है, सब चीज़ करनी होती है, तो इसलिए। तो अब ये देखिए ये गोल रेडी हो चुका है, और इसकी जो थिकनेस है वो इस तरह से करनी है कि ना ज़्यादा गाढ़ा ना ज़्यादा पतला, तो जितना इस हिसाब से एक साइड आप ब्लेंड करते जाएंगे, जब आप करते जाएंगे इस तरह से ब्लेंड तो ये फ्लफी हो जाता है फूल, तो इसमें पकौड़े फूलते हैं। और सबसे अच्छी बात मैंने खुद से नोटिस की है ये बात कि जब भी मैं उबले हुए आलू के, देखिए टेक्सचर देखिए कितना एकदम स्मूथ एक ही धार में गिर रहा है, तो ऐसे गिरना चाहिए, पकौड़े बेस्ट बनते हैं आपके।
तो अब फिर से मैं तेल, और तेल के साथ मैं इसमें अब देसी घी जरूर डालूंगी, क्योंकि एक क्रंच जो आता है वो घी से ही ज़्यादा आता है, तो इसलिए मैं साथ में घी डाल दूंगी। और फिर क्या करेंगे, मैं आलू, उबले आलू के पकोड़े इसलिए भी मुझे अच्छे लगते हैं क्योंकि एक तो टाइम नहीं लगाते बिल्कुल भी, जैसे हम कच्चे आलू के करेंगे तो थोड़ा टाइम रुकना पड़ता है, इसमें इतना मतलब जल्दी, उससे तो बहुत जल्दी हो जाते हैं क्योंकि ऑलरेडी आलू उबले हुए हैं। और दूसरी बात यह भी होती है कि अच्छे से, मतलब कि मैंने ये देखा है कि ढंग से बनाए जाएँ तो फूटते कम है, जैसे तेल में डालते ही कई फूट जाते हैं और मतलब पलटने में आसानी रहती है और चिपकते नहीं है। देखिए मैं कोई नॉन स्टिक में नहीं बना रही, जबकि मेरे पास नॉन स्टिक है, लेकिन मैं नॉर्मल में ही बनाती हूँ क्योंकि कईयों हर किसी के पास नॉन स्टिक नहीं बर्तन होते हैं, तो इसलिए मुझे ये हुआ कि जो मैं सिंपल सादे में आपको इस तरह से दिखाऊँ ताकि अगर हर कोई इस तरह से बना पाए। ठीक है जी, और बाकी देखते हैं अब कौन सी वीडियो आएगी, क्योंकि Q&A की भी काफ़ी क्वेश्चन आ चुके हैं, उसकी भी देखूंगी, या फिर 81 को मैंने श्रृंगार किया था लड्डू लाडली और गुप्पू गोपी का, तो मैंने बहुत सुंदर सी उनकी वीडियो शूट करी है फूल बंगले में, तो वो डालूंगी। ठीक है, तो आप भी राय देना आप पहले कौन सी देखना चाहोगे। तो ये देखिए अब इसमें क्या है, जब हम पलटते हैं तो ऐसे लगता है कि इकट्ठे हो गए, देखिए, लेकिन इस तरह से कट करेंगे तो अब एक सारे पकौड़े अलग अलग हो जाते हैं। ये देखिए ये है, तो वो आटा तो चिपकता ही है थोड़ा बहुत, तो लेकिन पकोड़े स्मूथ से आराम से पलट जाते हैं उबले आलू में, ये फायदा होता है। बस, और बस अब मैं निकाल लूँगी, साइड में मैंने प्लेट रख ली है और उसमें मैंने पेपर रख लिया है। ठीक है, अब हो चुकी है मेरी रेडी थाली, कुट्टू के पकोड़े, फ्रूट का रायता, आलू पनीर की सब्जी, सीताफल की सब्जी, हरे धनिया की चटनी और फ्रूट का रायता, फ्रूट चाट और कुट्टू के पकौड़े। फ्रूट का रायता दो बार बोल दिया लग रहा है मैंने, तो वैसे भी इसमें जगह भी नहीं बची थी कि मीठा मैं बनाती, फिर अलग से मुझे रखना पड़ता, लेकिन अगर अच्छा लगेगा तो मैं अगली बार कुछ अलग थाली आपके लिए रेडी करूँगी, अगर मुझे लगा, मुझे भी टाइम होना चाहिए और आपके कमेंट भी आने चाहिए तभी। चलिए जी चलते हैं बिहारी जी को भोग लगाने, और हम सब रेडी हो चुके हैं भोग लगाने के लिए और फिर बाद में खाने के लिए। तो अब हम, मैंने रख दिया है, और अब हमारे बिहारी जी श्रीमती राधा रानी और लड्डू लाडली का मैंने इतना सुंदर श्रृंगार भी किया था, और ये भोग के दर्शन, और हमारे बिहारी जी बहुत खुश होते हैं मन से, सच्चे मन से प्रभु को कुछ भी भोग लगाओ वो स्वीकार करते हैं, बस तुलसी पत्ता या तुलसी माला उनके पास जरूर चाहिए। और ये देखिए कितना सुंदर मेरे एकादशी का श्रृंगार था, न्यू ड्रेस धारण की थी मेरे लड्डू लड्डू और गोपू गोपी ने, तो इनकी वीडियो मैंने बनाई है बहुत सुंदर सी, तो आप जरूर से देखना, और अब आपके प्यारे प्यारे कमेंट का मुझे बहुत बेसब्री से इंतज़ार है कि आपके अब कमेंट क्या मुझे प्रोत्साहित करते हैं, या फिर जो प्रभु इच्छा जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो आप बताओगे अच्छा लगेगा, तो मैं आगे और भी आपको चीज़ें सिखाने की कोशिश करूँगी। राधे राधे सभी को।